नमस्कार, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है और आप मुझे बिंदास भोजपुरिया पर देख रहे हैं। दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा के इतिहास को अपने आप में समेटे एक किताब लॉन्च हुई है जो कि भोजपुरी सिनेमा पर आधारित है। उसके लेखक हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र संजय साहब हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये पुस्तक दिखा देना चाहता हूँ। सर, सबसे पहले आप ही पुस्तक दिखाइए अपनी, जो कि आज आप लोगों ने लॉन्च की है। तो ये पुस्तक है, दिलीप भैया ज़रा जूम करके दिखाइए इस पर, कि भैया भोजपुरी सिनेमा को डॉक्यूमेंट किया गया है और उस पर ये किताब जो है वो लॉन्च की गई है। आज इसका विमोचन यहाँ पर था। इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र संजय साहब, जो कि मेरे साथ इस वक्त हैं। सर, सबसे पहले तो चैनल के अंदर शुक्रिया, आपने वक्त दिया मुझे, तो स्वागत है सर सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे मुलाकात की, हम एक दूसरे को मिलने का, बात करने का मौका दिया। सर, मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने भोजपुरी सिनेमा के ऊपर एक बढ़िया शानदार किताब लिखी है, इसे डॉक्यूमेंटेड किया है, इसे आपने कागज़ पर उतारा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो शुभकामनाएं और बधाइयां स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा, मैं ये कहूँ कि आप आए हमारी महफिल में, हम धन्य हुए, साकार हमारे सपने हुए, हम धन्य हुए। काश मैं कवि होता तो आपकी इस कविता का इस तरह से कुछ जवाब दे पाता, लेकिन मैं आपको थैंक यू ही कह सकता हूँ, शुक्रिया ही कह सकता हूँ। सर, इतिहास जो है भोजपुरी सिनेमा का 50-60 सालों से, सन 1962 से जब शुरू हुआ, आज 2023 चल रहा है, 2023, 50 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, इस पर किताब लिखना बेसिकली, ये आपके मन में, आपके जहन में कब आया कि भैया हमको इस पर एक किताब जो है वो लिखनी है? सच देखा जाए तो मेरे मन के अंदर 20वीं सदी में ही 1980 के आसपास से मेरे मन में बात आई थी कि भोजपुरी में इतना उलटफेर हो गया है, इतिहास बनते बनते जीरो हो गया है और फिर आगे बढ़ा है, तो इसके बारे में कुछ लिखना ज़रूरी है। तो कह सकते हैं कि 1980 के आसपास में मेरे अंदर ये बात पैदा हुई कि मुझे भोजपुरी के ऊपर कुछ लिखना है, इतिहास इसकी फिल्मों के बारे में लिखना है। तो वो चीज़ आगे बढ़ती रही और बाद में जाके ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद अभी जाके उसने किताब का रूप ग्रहण किया है, जो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। बिल्कुल सर। डॉक्टर राजेंद्र, सवाल ये है कि इतिहास जो है भोजपुरी सिनेमा का भरा पूरा बढ़िया शानदार गौरवपूर्ण इतिहास रहा है भोजपुरी फिल्मों का, लेकिन उसमें समय समय पर ब्रेक लगता रहा है, उसकी जो रफ्तार है वो हर वक्त के साथ कभी धीमी पड़ी है, तो कभी कभी ऐसा लगा कि भैया सिनेमा के जो पटरी है वो ट्रेन उससे उतर गई है, ऐसे भी कई बार हुआ है, ब्रेक्स लगते रहे हैं। तो इन चीज़ों के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं डॉक्टर राजेंद्र संजय जी? देखिए, किसी चीज़ को हम, किसी एक व्यक्ति को हम जिम्मेदार नहीं बना सकते, क्योंकि इसका संबंध समाज से है, लोगों से है। तो एक ग्रुप होता है, एक समुदाय होता है जो इसके लिए जो काम करते हैं लोग, चाहे वो पॉजिटिव काम हो या नेगेटिव काम हो, काम होना है जो उनकी नज़र में पॉजिटिव है, दूसरों की नज़र में नेगेटिव होता है। अगर उन्होंने वो काम किया है अपने नज़र में पॉजिटिव माना तो वो धन्य हो गए, और समाज की तरफ से, देश की तरफ से, भोजपुरी भाषा बोलने वालों की तरफ से इस बात को हम नेगेटिव मानेंगे, क्योंकि उससे भोजपुरी का फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ। सर, सवाल यही है कि जब 62 में शुरू हुआ, 4-5 साल फिल्में बनी, उसके बाद एक दौर ऐसा आया कि जब उसके बाद फिल्में बननी बंद हो गईं, फिर एक दौर आया 90s के आसपास जहाँ पे फिल्में बन रही थी, कई साल चला, उसके बाद फिर रुक गया 2003-04 के पास, जब मनोज तिवारी साहब, जो हम लोगों का दौर था जिसे हमने देखा, 3-04 के आसपास ससुरा बड़ा पैसा वाला आई, उसके बाद फिर से एक दौर शुरू हुआ। कई सारे लोग ये मानते हैं कि भोजपुरी सिनेमा का एक ऐसा दौर अब आने वाला है जहाँ पर हो सकता है कि सिनेमा पर ब्रेक लग जाए, आप मानते हैं इस बात को? भविष्य में तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि किसी आदमी के हाथ में, वश में भविष्य नहीं होता है। आप कुछ भी कह सकते हैं कि भाई मेरी नज़र में कल ये होगा, ऐसा होगा, वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो बात सही हो जाए। अगर कोई आदमी, जिसे कहते हैं ना भविष्यवक्ता, या वो जो देखने वाला है कि हमको दिखाई दे रहा है कि कल क्या होने वाला है, तो ऐसे लोग तो हमारे ज़माने में कहें, इस फिल्म इंडस्ट्री में कहें, तो ऐसे लोग तो नहीं के बराबर ही होते हैं। हाँ, उनका अंदाज हो सकता है कि कल ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा,
तो वो अंदाज वाली आपका अंदाजा क्या कहता है, आपका अनुभव क्या कहता है? अंदाजे से ज्यादा मैं इसे कहूंगा कि आपका अनुभव क्या कहता है, आने वाला समय जो है क्या भोजपुरी सिनेमा के लिए स्वर्णिम काल होगा, अब तक का सबसे बेस्ट समय होगा, या फिर सिनेमा एक बार फिर से पटरी से उतरने वाला है? देखिए जैसे मैंने कहा, भविष्य के ऊपर कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, क्योंकि जो होने वाला है उसका रंग देखकर, उसकी गति देखकर, उसकी चाल देखकर हम बता सकते हैं कि एक 10 कदम जाने के बाद इसका रूप क्या होगा। लेकिन अगर आप किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम उसके बारे में, कोई भी इसके बारे में नहीं बोल सकता है कि कल क्या होने वाला है। भविष्य भोजपुरी फिल्मों का क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, ये तो सिवाय परिवर्तन के और भविष्य जो आगे बढ़ता जा रहा है उसका, भोजपुरी का जो उसका रंग दिखाई दे रहा है, जो उसकी रफ्तार दिखाई दे रही है, जो उसकी गति दिखाई दे रही है, उसकी दिशा दिखाई दे रही है, उन्हीं तीनों चारों बातों पर निर्भर करके हम बता सकते हैं कि कल भोजपुरी फिल्मों का भविष्य कैसा होगा। सर मैं इतिहास पे बात कर लेता हूँ, अगर भविष्य की बात हम नहीं कर रहे तो मैं इतिहास की बात कर लेता हूँ। आपने जब ये पुस्तक लिखी होगी, ये किताब लिखी होगी जो कि बड़ी खूबसूरत है, शानदार है, इसमें कौन सा ऐसा किरदार था, कौन सा ऐसा चरित्र था जिसने आपके हृदय को, आपके मन को सबसे ज़्यादा छुआ, या आपको लगा कि भाई ये मेरे जहन में ये एक ऐसा किरदार है जिस जो बड़ा शानदार था या बड़ा अलग सा था? देखिए किरदार किरदार होता है, उसका भाषा से, उसका समुदाय से कुछ लेना देना नहीं होता है। वो किरदार हिंदी में भी हो सकता है, वही किरदार भोजपुरी में भी हो सकता है, वही किरदार नेपाली में भी हो सकता है, वही किरदार अंग्रेजी में भी हो सकता है। हाँ, उसकी भाषा, उसका पहरावा, उसका बोलचाल, उसका चाल ढाल, इसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। व्यक्तित्व तो वही रहता है, लेकिन सिर्फ उसका चाल ढाल, उसका रंग ढंग, ये देख करके ही भविष्य बनता है कि आगे क्या होने वाला है। शख्सियतों में से बात करें तो आप किसे एडमायर करते हैं कि भाई ये जो शख्सियत थी सिनेमा के अंदर, भिखारी ठाकुर साहब से लेकर अब तक जितने जो भी मेकर्स हुए, सुजीत जी और तमाम जो मेकर्स हुए, एक्टर्स हुए, आपको लगता है कि सबसे उम्दा जो है आपको कौन लगता है कि भैया इसने बहुत शानदार काम कर दिया सिनेमा के अंदर? देखिए मैंने जैसे कहा कि परिवर्तन बहुत ज़रूरी चीज़ है, और परिवर्तन के हिसाब से ही कोई भी व्यक्तित्व, कोई भी करेक्टर, कोई चरित्र बनता है और उभरता है और लोगों को प्रभावित करता है। अब वो भविष्य के ऊपर निर्भर करता है कि जिस चीज़ को मैं आज लाइक कर रहा हूँ वो मैं पसंद कर रहा हूँ, 5 साल के बाद में वही करेक्टर परिस्थितियों का शिकार हो सकता है और उसकी वजह से उसके चरित्र में परिवर्तन आ सकता है। इसलिए कहना कि यही चरित्र कल भी यही रहेगा, 10 साल के बाद भी वही रहेगा, ये मुश्किल बात है। डॉक्टर राजेंद्र, सवाल मेरा यह है कि इतिहास में आपने अपनी जो पुस्तक है, किताब है, इसमें कितने साल तक के इतिहास को वक्त दिया है, आपने कलम दी है कि भैया इतने साल तक का है इतिहास जो है वो मेरे इस किताब में समावेश है उसका? देखिए ये किताब जो लिखा है मैंने, जो लिखी है मैंने वो 1900 जैसे कहते हैं 1962 से पहली फिल्म शुरू हुई तब से, अभी भी भोजपुरी फिल्में बन रही हैं लेकिन उनका रूप बदल गया है, उनका परिवर्तन हो गया है, उनके व्यक्तित्व में परिवर्तन आ गया है, इसलिए आगे चल के क्या होगा कोई नहीं कह सकता है। मैंने कितना काम किया है इसके बारे में बता सकते हैं, इसलिए मैंने बताया कि 1980 से मेरे मन में बात है कि भोजपुरी के ऊपर कुछ होना चाहिए, क्योंकि इसका जो व्यक्तित्व है बहुत ही प्रभावशाली है, और इसलिए 1980 से लेकर मैंने भोजपुरी फिल्मों के बारे में काम करना शुरू किया, और वो चीज़ जाके किताब के रूप में परिवर्तित हुई है, कंप्लीट हुई है, और वो अब भी 2023 में जाके पूरा हुआ। आप सोचे कितने साल मैंने उसमें लगाया, 1980 से लेकर 2023 में 20 साल और 23 साल 43 साल 45 साल आप मान लीजिए। एक किताब लिखने में 40 से 45 साल का वक्त लगा है, इनकी सारी जानकारियों को इकट्ठा करने में, इन्हें प्रोसेस करने में और उन्हें कागज़ पर उतारने में बड़ा लंबा वक्त दिया है सर, 4 दशक से ज़्यादा, एक इंसान की आधी उम्र है जो आपने लगा दी है इसमें, इसे एक पुस्तक की शक्ल देने के लिए, किताब की शक्ल देने के लिए, ग्रेट सर। बात यह है कि कोई काल्पनिक चीज़ हो ना तो हम एक दिन में उसको पूरा कर सकते हैं, एक महीने में पूरा कर सकते हैं, लेकिन जहाँ इतिहास की बात आती है वहाँ एक शब्द इधर से उधर आप नहीं हो सकते हैं,
एक कदम भी इधर से उधर नहीं बढ़ा सकते बना सकते हैं। जो है वो है और उसी को आपको चित्रित करना है। ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत ही कठिन काम है कि किसने कितना कदम आगे बढ़ाया और उस कदम के बीच में कितना फासला था, ये सब देख करके आदमी जब लिखता है बोलता है तो उसमें टाइम तो लगता है, बहुत टाइम लगता है। काल्पनिक कोई चीज़ हो, किसी भी पात्र को अगर हम निर्मित करते हैं तो उसमें 15 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। सवाल यह है कि जो मौजूदा दौर के सुपरस्टार्स हैं उनके योगदान को, उनके कंट्रीब्यूशन को आप लोग कैसे सिनेमा में देखते हैं? ये मेरा आखिरी सवाल होगा शायद, कि इन लोगों के कंट्रीब्यूशन की को आप कैसे देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मिस्टर मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, रवि किशन और अब खेसारी लाल यादव और पवन सिंह साहब तक, इनके दौर को आप कैसे देखते हैं? क्या इन्होंने सिनेमा को बेहतर बनाने में कोई योगदान दिया आपकी नज़र में या नहीं? देखिए, सच्चाई ये है कि हर आदमी जो कलाकार कहता है अपने आप को कलाकार है, वो तो कला जहाँ पर है वहाँ विकास है, वहाँ पर तरक्की है, वहाँ प्रगति है। तो ऐसे जो कलाकार आते हैं, ऐसा नहीं है कि वो पैसा बनाने के लिए आते हैं या अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए आते हैं, वो कला के लिए काम करने के लिए आते हैं। तो ज़रूर है कि वो जो काम करते हैं उसकी सराहना होगी ही होगी। अगर उसमें सच्चाई है, अगर उसमें कुछ नयापन है, तो ज़रूर उस आदमी को उसका रिवार्ड मिलता है, उसका अवार्ड मिलता है, कहीं जो भी कहीं पुरस्कार मिलता है, वो तो ज़रूरी बात है। बिना पुरस्कार पाए किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कहीं मैं अधूरा रह गया हूँ, कहीं मेरी कला में जो थी वो क्षमता पूरी नहीं दिखाई पड़ी है, लोग उसको ठीक से समझ नहीं पाए हैं, ये एक उनके अंदर क्या कहेंगे, एक हलचल वाली उनके दिमाग के अंदर बैठी रहती है कि मेरा ठीक से मूल्यांकन नहीं हो पाया, मेरी कला का ठीक से लोगों ने मूल्यांकन नहीं किया, ये बात आ जाती है। लेकिन अगर वो खुश हैं, इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है और उसका जो समापन भी हुआ है वो भी बिल्कुल सही हुआ है। बहुत सारे सवाल सर मेरे को आपसे करने थे लेकिन समय का अभाव है और दूसरे भी कार्यक्रम यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन शुक्रिया सर। बस एक सवाल करना चाहता हूँ कि सर आपने हिंदी में लिखा है इस पुस्तक को, कई सारे राइटर्स ये मानते हैं, लेखक ये मानते हैं कि अगर अंग्रेजी भाषा के अंदर लिखी गई होती पुस्तक तो इसका दायरा थोड़ा और ज़्यादा बड़ा हो जाता। वैसे भोजपुरी फिल्मों का दायरा अपने आप में बहुत बड़ा है और भोजपुरी भाषा का भी दायरा अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। और ये बात है कि उसने अपने आप को बड़ा नहीं साबित किया, उसने अपने आप को दिखाया नहीं, खूब बोली के रूप में ही वो रह गई है। हाँ, उसको आगे बढ़ाना हो तो लेखक करेगा, उसको आगे बढ़ाना हो तो डायरेक्टर करेगा, प्रोड्यूसर करेगा, ये दूसरे लोगों का काम है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को दिखाना, निखारना, कितना निखार सकता है ये उसके व्यक्तित्व के ताकत पे, शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अब भोजपुरी तो है, मैंने जैसे बताया कि मैंने लिखा है इसको हिंदी में, इसलिए लिखा है क्योंकि बोली से ऊपर ये भाषा के रूप में है तो भाषा को ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा दूर तक लोग जानते हैं, इसलिए इसको हिंदी में लिखा गया। अंग्रेज़ी में लिखे तो हिंदी अंग्रेज़ी वाले हिंदी की चीज़ को, भोजपुरी की चीज़ को ठीक से समझ नहीं पाएंगे क्योंकि उनका उसके साथ ब्लड का, आत्मा का कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए इस चीज़ को वही आदमी लिख सकता सही ढंग से जो उस भाषा को जानता हो। जैसे मैंने लिखा हिंदी में, मैं हिंदी का हिंदी भाषा जानता हूँ, मैंने भोजपुरी में चाहता तो मैं लिख सकता था लेकिन भोजपुरी की अपनी एक सीमा है, उस सीमा से बाहर जाना, जैसे आपने कहा अंग्रेजी में, अंग्रेजी में तो जाएंगे लिख सकते हैं लेकिन उसको समझने वाला, उससे क्या भोजपुरी समझ में आ जाएगी? भोजपुरी का इतिहास, फिल्मों का इतिहास समझ में आ जाएगा लोगों को? क्या वहाँ गहराई तक वो पढ़ पाएंगे, जा पाएंगे, जान पाएंगे? नहीं हो पाएगा। उनको वही आदमी उस भाषा को जो जानता है वही उस चीज़ को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है, लोगों तक अपनी भावना को, अपने विचार को पहुंचा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पुस्तक आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा, भोजपुरी फिल्मों का जो इतिहास है उसे। मुझे नहीं पता ये ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं है सर, ऑनलाइन तो अवेलेबल होगी ना? अभी तो नहीं है, अभी तो अभी क्योंकि अभी शुरू हुआ है तो अभी आगे बढ़ेगा, ऑनलाइन हो जाएगी। तो ऑनलाइन भी बताया जा रहा है कि ऑनलाइन भी ये पुस्तक अवेलेबल होगी और आप लोग जरूर एक बार पढ़िए अगर आप लोग जानना चाहते हैं। बेसिकली मैं समझता हूँ मेकर्स को और एक्टर्स को ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए कि आपका इतिहास जो है कितना गौरवशाली है। कैमरा के पीछे दिलीप भैया हैं, उन्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ और डॉक्टर राजेंद्र जी को भी शुक्रिया कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।